ओके जी, तो आज के सेशन के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं कि HTML, CSS और JavaScript, पहले तो इनका डिफरेंस क्या है और दूसरी चीज ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है जी, तो हमारे पास जब भी आप किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को शुरू करते हैं तो उसके कुछ फंडामेंटल होते हैं, यानी बेसिक कुछ टूल्स और उसके अलावा कुछ उसकी लैंग्वेजेस या इस तरह के कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप उस सॉफ्टवेयर को सीखते हैं या उस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप किसी वेबसाइट को बनाने जा रहे हैं या उसको क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसके जो फंडामेंटल चीजें हैं या जो बेसिक है या जो फेमस उसके टूल हैं वो, उनमें से आपको ये तीन तो हर जगह मिलते हैं, चाहे आप .NET पे अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे आप किसी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। बेटा, आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि आपकी HTML, CSS और JavaScript तो यूज होनी ही होनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, अब बात यह है कि अगर आप बात करते हैं कि HTML, CSS और JavaScript आपकी वेब डेवलपमेंट के अंदर या वेब डिजाइनिंग के अंदर यूज होती है, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या? तो मोस्टली तो आपको पता है कि HTML हमारी एक क्या है, इज यूज टू फॉर्म द स्केलेटन ऑफ अ वेबसाइट। यानी आप जब भी घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए ईंटें और सीमेंट वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो बेटा, आपके वेबसाइट के अंदर जितने भी आपको कंपोनेंट नजर आते हैं, इनपुट टाइप्स, फॉर्म्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, या जो आपके लेआउट होते हैं, पूरे लेआउट, यानी वेबसाइट का पूरा ढांचा या जो डिजाइन जो आप बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो HTML पे ही बनता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? उसके बाद एक्स इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब स्क्रिप्टिंग, यानी हर वेबसाइट का जो पहला बिल्डिंग ब्लॉक है वो HTML है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? किसी भी चीज को अगर ऑपरेट करना है तो उस चीज का होना लाजमी है ना? वो ढांचा तो हो आपके पास, सही है? फॉर एग्जाम्पल, आप कार की इंजन पे काम करें, आपके पास कार का इंजन है, लेकिन आपको एक ढांचा तो चाहिए ना जिसको इंजन चलाए। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो वेबसाइट का जो डिजाइन है वो पूरा का पूरा आपका HTML पे ही बनता है। उसके बाद अब ये आपके पूरी वेब स्क्रिप्टिंग की बात हो रही है, यानी अगर आप किसी भी तरह की प्रोग्राम लैंग्वेज के थ्रू अपनी वेबसाइट बनाते हैं, मैंने आपको मेंशन करके बताया, जावा हो, पाइथन हो, सी शार्प हो, ASP हो या PHP हो, व्हाटएवर, या जावा स्क्रिप्ट हो, आपकी HTML के बने हुए लेआउट्स के ऊपर ही काम करते हैं। कौन से क्लियर है यहां पर? उसके बाद डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्टेंट, के कौन सा डेटा, कॉन्टेंट डेटा को कहा जाता है, कौन सा कॉन्टेंट, कौन सा डेटा कहां अरेंज करना है, कहां रखना है, लेफ्ट में, राइट में, मिडिल में, टॉप में, बॉटम में, वो आपकी HTML के थ्रू ही क्या होता है, मैनेज होता है। अब बात करते हैं केस कैडिंग स्टाइल शीट, जो कि CSS है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, स्टाइल शीट है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो है लेकिन कौन सी, मार्कअप लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के अंदर आप टेक्स के अंदर कोई ना कोई कोडिंग की चीजें प्रोवाइड करते। ठीक है जी, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, यानी आपकी कौन सी लेस देन सिंबल और राइट देन ग्रेटर देन सिंबल के बीच में आप टैग लिखते हैं, उस तरह के टेक्स्ट के थ्रू आप अपनी वेबसाइट का पूरा ढांचा या स्केलेटन बनाते हैं। अब बात करते हैं केस कैडिंग स्टाइल शीट की, तो हमारे पास ये किस पर्पस के लिए बनाई गई थी या इसको क्यों यूज किया जाता है। तो देखें, जहां पे HTML की डेकोरेशन नहीं होती, यहां आपको पता है कि जब भी आपका घर बनने के बाद पहला जो आपका काम होता है वो चूना वगैरह दीवारों पे लगता है ना, उसके बाद आपके जो बेहतर कलर कंट्रास्ट या बेहतर डेकोरेशन करवाना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको पेंट्स वगैरह वालों का जो आपका संभालने टीम होती है वो बुलाते हैं और वो आपकी पूरे घर की डेकोरेशन सेट करके जाती है। ऐसे ही है बेटा, तो हमारे पास एक ढांचा वेबसाइट का पूरा बनता है HTML से, लेकिन उसी ढांचे को बेहतर दिखाने के लिए, डेकोरेट बेहतर करने के लिए आप CSS को यूज करते हैं। कौन से क्लियर है बेटा? अब यहां पे जो डिफाइंड पॉइंट्स है वो कौन सी है, कि CSS इज यूज्ड टू क्रिएट एन अपीलिंग वेबसाइट, आप वेबसाइट को बेहतर से बेहतर अपील कर रहे होते हो, उसके अलावा हेल्प डिजाइन
ग्राफिक एलिमेंट दैट इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द वेबसाइट, कि आपकी वेबसाइट बेहतर नजर आए, बेहतर लुक हो उसका, अच्छी आपकी डिजाइन नजर आए, तो वो सारी की सारी चीजें सीएसएस से पॉसिबल है। उसके बाद डिफाइन द कलर साइजेस अदर विजुअल एस्पेक्ट्स। बेटा देखें, आप लोगों ने HTML के अंदर ये चीजें पढ़ी हैं कि आप किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, उसको विड्थ दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, और उसके अलावा फॉन्ट के कलर, फॉन्ट की साइजेस, ये सारी चीजें दे सकते हैं। इवन कौन सी चीज कहां रखनी है लेआउट में, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन जहां लगे ना HTML बोल रही है मुझसे यहां से आगे कुछ नहीं होना, वहां से CSS की जरूरत शुरू हो जाती। यानी HTML के अंदर फॉन्ट साइजेस सिर्फ 6 तक अवेलेबल है, उससे ज्यादा नहीं है। सही है, फॉन्ट की साइज सिर्फ 6 तक ही दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो आपकी CSS वहां से शुरू हो जाती है, या वहां पे आपको पता चलता है कि यार अब ये HTML से काम नहीं हो रहा, इसके लिए लाजमी है CSS इस्तेमाल करो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो फिर आप CSS को यूज करते हो वहां पे, जहां पे जो काम HTML से नहीं हो रहा होता, वो सबका सब हम CSS से कर रहे होते हैं। अब बात आती है, ना ही हम डेकोरेट कर रहे होते हैं, एक्चुअल में हम CSS के थ्रू आपकी पूरी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। यानी ये कॉन्सेप्ट होता है मीडिया क्वेरीज का, या ग्राफिक्स अगर अप्लाई करना चाहते हो तो वो ग्राफिक्स भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक कैनवास वगैरह के कुछ जो है चीजें अप्लाई करके, लेकिन उन टेक्स्ट के अंदर या उन चीजों के अंदर आपकी कुछ HTML के ही आपके वो टैग हैं जिनमें CSS और JavaScript की इन्वॉल्वमेंट लाजमी हो जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जैसे अगर बात की जाए आपके HTML के एक टैग div की, तो विदाउट CSS के तो वो कुछ है ही नहीं। ऐसे आपके और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके HTML से नहीं होती, वहां पे आपको CSS को यूज करके बेहतर लुक एंड फील वेबसाइट का देना पड़ता है। और उसके बाद आप ये भी कर रहे होते हो कि उसको हर डिवाइस के लिए कंपेटेबल बना देते हो बाई यूजिंग मीडिया क्वेरीज, जो कि CSS के ही फीचर है। कौन से क्लियर है बेटा? सही है। तो ये चीजें थी जो CSS परफॉर्म कर रही होती है। फिर बात करते हैं JavaScript की। तो JavaScript अलाउज वेब पेजेस टू बी मोर इंटरेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट। अब आपकी डिजाइन या डेकोरेशन हो चुकी वेबसाइट की, वेबसाइट डिजाइन भी हो चुकी, लुक एंड फील भी आ चुका, लेकिन आप चाहते हैं उसको मोर इंटरेक्टिव बनाना। यानी डिजाइन के ऊपर जो जो चीजें, जो जो कंपोनेंट आपने रखे हैं, उनको फंक्शनल बनाना है, तो आपको JavaScript को इस्तेमाल करना पड़ता है। लाइक आप लोगों ने लॉग इन फॉर्म बनाया है, लेकिन लॉग इन फॉर्म के इनपुट्स के अंदर क्या क्या चीजें आनी है, उन पे जब बटन पे क्लिक हो क्या क्या चीजें, क्या क्या ऑपरेशन हो, तो बेटा उसके लिए JavaScript का होना लाजमी है। लाइक आप लोग कैलकुलेटर डिजाइन करते हैं HTML CSS से, लेकिन वो कैलकुलेटर जब काम करे तो उसके लिए JavaScript का होना लाजमी है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होना लाजमी है जो उस डिजाइन को फंक्शनल बनाए। यानी गाड़ी का एक ढांचा बन गया, अच्छे कलर कंट्रास्ट भी सेट हो चुके, उसके लिए इंजन का होना लाजमी है ना, इसी तरह से JavaScript का होना लाजमी है। और ये एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, तो ये एक्चुअल में बेस्ट होती है फॉर HTML के डिजाइनर्स जो होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इनेबल्स द कोड टू बी एम्बेडेड इन HTML मार्कअप और स्टोर्ड इन अ सेपरेट फाइल। एम्बेडेड का मकसद बेटा क्या है? देखें, आप HTML के अंदर ही किसकी कोडिंग कर सकते हैं? JavaScript की। आप हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट का टैग ऑन करके JavaScript की कोडिंग कर सकते हो ना। एम्बेड का मकसद है किसी चीज के अंदर जाके किसी चीज को लिखो, एम्बेड करो, समझ में आ रहा है? तो आप स्क्रिप्ट का टैग HTML के अंदर ही ऑन करके, जबकि स्क्रिप्ट टैग है ही HTML का, सही है, उसके अंदर आप अपनी JavaScript लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि आपकी JavaScript जो है वो क्या है, इनेबल करती है कि आप उसकी कोडिंग को HTML के अंदर ही जाके लिखें और उसके जितने भी लेआउट डिजाइन है उनको फंक्शनल बनाएं, या उन लॉगिन पैनल से वैल्यूज लेकर कंपेयर करवाएं, फिर यूजर को लॉगिन करवाएं, फिर कौन से पेज पे भेजना है, होम पेज पे, यूजर के पेज पे, एडमिन के पेज पे, तो उन पे आप काम कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज थी, इनकी कुछ वेरिएशंस और कंपैरिजन और सिमिलरिटीज को हमने देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर कुछ और चीजें देखते हैं।